फाइनली हम लोग अपने डेस्टिनेशन पहुंच गए हैं। डेस्टिनेशन है प्रभु श्री राम की धरती। तो गाइस ये देखिए हम लोग आए अयोध्या घूमने सुबह, जो कि मैं बहुत दिन से कह रही थी आने के लिए, सबसे कह रही थी कि ले चलो ले चलो, बट कोई तैयारी फिर अचानक से प्लानिंग बनी कर जाती नहीं पता था। जो दीदी और जीजा आए थे फिर अचानक से कल प्लानिंग बनी और आज हम लोग सुबह अयोध्या के लिए निकल आए। देखिए ये ले लो, अब ये देखिए गाइस बहराइच में कहाँ मिले। बहुत खुश हूँ, मैं बहुत दिन से आने के लिए कह रही थी, तो फाइनली आज मैं आ भी गई। मैं बहुत साल पहले आई थी जब यहाँ मंदिर नहीं बनी थी और अब आई हूँ, तो आज बहुत खुश हूँ। तो गाइस आप भी हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा, अभी आपको भी दर्शन कराते हैं राम लल्ला जी के। तो गाइस कहिए जय श्री राम। गाइस ये देखिए अयोध्या नगरी, ये राम की पौड़ी। ये देखिए अयोध्या की नगरी राम की पौड़ी, वो बहुत बड़ा मान बहुत बड़ा है। हाँ सर ये सो गाइस यहाँ पे जय श्री राम का टैली लग रहा है। ये देखिए टैली लगवा रही है। हाय गाइस, क्या तरीके से हाय करो। हाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हम श्री राम जन्मभूमि के इस पावन धरती पे आए हैं और बहुत ही खूबसूरत स्थल है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग संख्या में पहुँचे। ऐसा तीर्थ स्थल देखने को बहुत कमी रूप में मिलता है, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आए और भ्रमण करें। धन्यवाद। ये देखिए जय श्री राम कुमारी है, और इसके बाद मैं भी लिखवाऊंगी। ला चलो इशारा फोटो दिखा चहक को भी श्री राम लिखा है, छोटी बच्ची को भी। सो गाइस यहाँ पे हमारे जय श्री राम का टैटू लग गया है, और मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत परेशान थी। तो गाइस ये देखिए जय श्री राम, तुम लोग बोलो जय श्री राम, हम लोग जय जय श्री राम। तो गाइस हम लोग राम की पौड़ी से दर्शन करके आगे बढ़ रहे हैं, अब यहाँ से हम लोग मंदिर जाएंगे राम मंदिर। जय श्री राम, जय श्री राम। तो चलिए हम आपको भी राम हनुमान राम मंदिर के दर्शन कराते हैं। तो गाइस हम लोग यहाँ पे अयोध्या ऑटो रिक्शा में बैठ चुके हैं और यहाँ से निकलेंगे राम मंदिर के लिए। फुल है भैया, फुल है, पूरी गाड़ी भर गई है। कहाँ पर जाओगे? तो गाइस आप भी आइए, आप लोग के लिए करना है तो हमारे ब्लॉग में बने रहिए। अभी हम लोग हनुमान गढ़ी आए हैं। तो गाइस चलिए पहले हम लोग हनुमान गढ़ी के दर्शन करते हैं, और बहुत तेज धूप है। तो गाइस बहुत तेज धूप हो रही है और हम लोग आए हैं नंगे पैर, मतलब चप्पल हम लोगों ने कार में उतार दी है और पैर हम लोग की नंगे विदाउट चप्पल, तो बहुत तेज धूप लगी और पैर भी जल रहा है। और हम लोग यहाँ से जा रहे हैं पहले हनुमान गढ़ी के दर्शन करते, तो आप लोग को हनुमान गढ़ी के दर्शन करना है, तो आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा।
तो गाइस इतनी धूप और इतनी भीड़ का सामना करते हुए हम लोग फाइनली राम मंदिर के लिए आ चुके हैं। अब बस थोड़ी देर पे रह गया है राम का, ये चलिए आओ सलोनी रावत, आप कहीं भी हो D1 चेक इन पॉइंट पे आ जाइए। शेखर यादव छाव आ गई गाइस, बहुत तेज धूप है बट यहाँ पे छाव कर दिया भगवान श्री राम ने। सुग्रीव खिला, ये देखिए गाइस बहुत भीड़ है, आज बहुत ज़्यादा भीड़ है, अभी भी बहुत भीड़ है। राम नहीं हनुमान गढ़ी में तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि दूर से ही मतलब लग रहा था कि आज पूरी रात ही रह जाएगी, हम लोग दर्शन नहीं कर पाएंगे। सो गाइस हद से ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, वहाँ भी बहुत भीड़ थी और यहाँ भी भीड़ है। अब आगे देखते हैं कि कितनी भीड़ है, आगे चलते हैं। तो गाइस ये देखिए हमारी चार ट्रेन सवारी मिल गई है, बैठी है आराम से। सारे मजे तो चाहत के ही हैं, हम लोग तो बेचारे अपने पैरों पे चल के ही जा रहे हैं। गाइस ये देखिए गाइस यहाँ पे भाई जमा हो रहे हैं, किसी को शौचालय बनाना गाइस हम लोग बाहर आ चुके हैं दर्शन करके और सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस बिकॉज हमारा फोन सबमिट हो गया था, हम लोगों को पता नहीं था कि फोन सबमिट हो जाएगा, अदरवाइज हम लोग जो रामलला का जो मेन मंदिर है वहाँ के आप लोग दर्शन कराते हैं, सॉरी फॉर दैट। और अब हम लोग निकल रहे हैं कुछ खाने के लिए क्योंकि हम लोग सुबह सिर्फ ब्रेकफास्ट करेंगे क्योंकि फ्लाइट सा थोड़ा सा भूख वगैरह लगी है, और हम आपको जल्द ही कुछ अभी खाने के बाद कुछ और भी जगह पर हम लोग घूमेंगे उसके भी आपको अपडेट देते रहेंगे, तो आप लोग भी खाना खाइए। और हाँ एक बात और, प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, थैंक यू। तो गाइस मैं क्या करूँ, मैं बहुत एक्साइटेड थी कि आप लोगों के साथ मैं अपना ब्लॉग शेयर करूँगी और दर्शन करूँगी, बट यहाँ पे फ़ोन सामान जमा होने के कारण इन्हें पॉसिबल नहीं हो सका, तो इसके लिए आई एम सॉरी। ये मालती आज बहुत खुश नज़र आ रही है, गाइस सब लोग जल्दी जल्दी बहुत थक गए हैं दर्शन करके, आगे यहाँ पे थोड़ी देर बैठने के लिए रेस्ट करने के बाद
थोड़ा सा खाना वाना खाएंगे, थोड़ा नाश्ता करेंगे, खाना हाय गाइस, हम लोग अभी होटल ही ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं पा रहा है कोई अच्छा सा होटल, जाके हम लोग थोड़ा सा लंच वगैरह कर लें, क्योंकि सुबह हम लोग बहुत लेट तो नहीं बोलेंगे ना, बहुत जल्दी बोलेंगे, बट खा के नहीं निकले, चाय पी के निकले तो रास्ते होटल खाया था, तो हम लोग थोड़ा देख रहे हैं कहाँ पे किस जगह पे थोड़ा लोकेशन हम लोग अच्छे सा मिले, काफ़ी थक गए हैं। बाकी का अपडेट अभी जब हम लोग घूमेंगे किसी जगह पे तब आपको दिया जाएगा, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, कमेंट भी करिए। और जैसे कि हमें एक बस मिल गई है, टॉनिक बस, इससे हम उस जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे हम अच्छा सा नाश्ता कर सकें, थोड़ा पौष्टिक, क्योंकि हमने प्रसाद खाया है तो बहुत ही अच्छा लगा है, जैसे लग रहा है कि हम दो चार दस दिन हम अगर नहीं भी खाएँ कुछ तो हमें चलेगा, क्योंकि श्री राम लड़ा का जो प्रसाद उसका एक मैजिक है, एक अजीब सी मैजिक है। तो फाइनली हम लोग तो बस मिली है, हम लोग जा रहे हैं किसी अच्छे से जगह पर खाना खाने, उसके बाद हम लोग कुछ जगह हमारी छोड़ चुकी थी वो घूमेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे कहाँ कहाँ पे क्या क्या है, कैसे घूमना है, कैसे घूमें हैं, फिर जब हम यहाँ घूम लेंगे तब आपसे मिलेंगे। थैंक यू, लव यू ऑल। बस से पहुँचे हैं काना रेस्टोरेंट, जहाँ पे आप गर्म गर्म कचौड़ियाँ और गर्म गर्म समोसे मिले हैं, जैसे ही हमें दिखाई गर्म गर्म कचौड़ियाँ हैं, गर्म गर्म समोसे, कुछ एकदम से मन मचल दिखा के बस यही खाना है और यही खाना है, हम लोगों ने ऑर्डर किया है। विद इन 10 मिनट में हमारे पास हमारी कचौड़ियाँ, हमारी रामलला के वहाँ समोसा हमारे टेबल पर होगा, और हम आपको उसका बनाएंगे, दर्शन भी करवाएंगे। फाइनली 10 मिनट वेट करने के बाद हमको हमारा गरम गरम छोले भटूरे, गॉड छोले भटूरे साथ में ये मिला, और रामलला के दर्शन करने के बाद जो पहला निवाला हमारा जाएगा वो हमारा छोले भटूरे होंगे। इसका टेस्ट कैसा है इसको हम खाने के बाद जब बता पाएंगे, इसके लिए आपको हमसे 10 मिनट की दूरी लगा रखनी पड़ेगी। मिलते हैं आपसे लंच के बाद, थैंक यू। तो गाइस, हम लोग जैसा कि आपको अभी हम लोग रेस्टोरेंट में निकले हैं, कान्हा रेस्टोरेंट में खाए थे, जहाँ पे हम लोगों ने दो दो छोले भटूरे, एक चाय। जैसा कि यहाँ का एक माहौल बहुत अच्छा है, एक धार्मिक सा माहौल, एक फीलिंग आती है, वैसे ही यहाँ का जो मंदिर है तो उसके तो पूरे विश्व में चर्चा है, सेम एज इट इज़ हमें उस खाने में बहुत ही अपनापन लगा कि घर जैसा माहौल है, और दो भटूरे खाए तो बहुत ही अच्छा लगा, जो हमारी भूख थी वो काफ़ी हद तक मिट चुकी है। अब हम लोग जा रहे हैं चौक ही लता मंगेशकर चौक की तरफ, और हमारे जो क्रू मेंबर्स हैं, जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, इनका एक सजेशन है कि हम लोग कर्नल भवन जाएंगे, तो अब हम आपको तो गाइस अभी कनक भवन जाना है या नहीं जाना है तो अभी डिसाइड हुआ नहीं है, तो अभी हम लोग जाएंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे अगर पॉसिबल हो सकता है। वैसे तो वहाँ तो राम मंदिर में तो जमा हो गया था, बट यहाँ पे क्या होता है देखते हैं।